Assalamu alaikum, I am your teacher Ms. Shabana. I am taking subject English language. Okay. Student, today we are studying about preposition. 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 Preposition jo hai, it's a part of speech. Part of speech hum pehle bhi pad chuke hain. We have learned noun, pronoun, verb, adjective. We have learned. Okay, now we are studying about preposition. What is preposition? Preposition are used to show where place are, where things, place and things are. Yes, matlab ye ke preposition are used. Preposition jab use hote hain, jab hum kisi शो करना हुआ कि कहाँ कोई चीज़ है या कहाँ कोई पर्सन पीपल मतलब पर्सन खड़े हैं एंड प्लेस कौन सी जगह पे क्या है तो इसको हम ये वर्ड्स को जो हम बोलते हैं प्रेपोजिशन कहते हैं लाइक द बुक्स आर डैश द टेबल अब हम क्या करेंगे जो टेबल के जो द बुक्स आर डैश द टेबल कहाँ है टेबल के किस पोर्शन में द बुक्स आर ऑन द टेबल ऑन ऊपर मतलब बुक्स जो है ऑन द टेबल या हम लिख सकते हैं अंडर द टेबल अगर नीचे लिखा है तो हम अंडर लिख देंगे अंडर द टेबल द स्टूडेंट आर डैश द क्लास अब इसमें इन आएगा क्योंकि द स्टूडेंट आर इन द क्लास इन द क्लास स्टूडेंट आर इन द क्लास ऑन इज प्रोपोजिशन एंड इन इज मतलब द स्टूडेंट आर इन द क्लास मतलब क्लास के अंदर है स्टूडेंट क्लास के अंदर है यूज वर्ड्स ऑन अंडर इन एट और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हम एज ए प्रीपोजिशन यूज करते हैं लाइक ऑन ऑन देखिए ऑन मतलब ऊपर ऑन मीन ऊपर द बुक्स आर ऑन द टेबल ये बुक्स पेपर्स जो है रखे हुए हैं कहाँ पर टेबल के ऊपर अंडर अंडर मीन नीचे ये बॉय खड़ा हुआ है ट्री के नीचे ये ट्री है उसके नीचे खड़ा हुआ है द बॉय इज अंडर द ट्री इन इन मीन्स अंदर देखें बॉक्स बॉक्स के अंदर बहुत सारी स्वीट्स रखी हुई हैं स्वीट्स आर इन द बॉक्स एट एट मतलब तो पर आई वेक अप एट सिक्स ओ क्लॉक पर मैं जागती हूँ तो यहाँ पर यूज़ किया है एट सिक्स ओ क्लॉक ओके आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड प्रेपोजिशन ओके नाउ कम टू द फर्स्ट असाइनमेंट ओके ये हमारा फर्स्ट असाइनमेंट है दिस इज़ आर फर्स्ट वर्क के पुट द हेडिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन की डेफिनेशन लिखी है जो कि मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाई है ओके दिस इज़ आर सेकेंड वर्क जो नेक्स्ट पेज पे हमें करना है पुट दिस प्रेपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ओके स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज वन और पेज नंबर है 24 पर भी पुट सुटेबल प्रेपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यही मैंने असाइनमेंट में दिए देखिए टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज वन है पेज 24 पर है प्रेपोजिशन इनमें हमने लिखने हैं नंबर वन है रहमान इज कमिंग होम डैश द मार्केट अब इनमें से हमें बॉक्स है बॉक्स में से चूज करना है फ्रॉम द मार्केट नंबर टू है द टीचर रोड डैश द ब्लैक बोर्ड द टीचर लिख रही है लिखा है टीचर ने बोर्ड पर ऑन द बोर्ड पर और यहाँ पर तो फ्रॉम मतलब मार्केट से आ रही हैं रहमान जो है वो आ रहे हैं मार्केट से और यहाँ ऑन में मतलब पर ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हैं आयशा रैन क्विकली डैश द हिल आयशा जो है वो बहुत तेज़ी से हिल पर चढ़ रही हैं अब मतलब चढ़ना ठीक है अब डी है टोनी ट्रिप्ड एंड रोल्ड डैश द हिल डाउन इसमें हम बॉक्स में से सिलेक्ट करेंगे डाउन वो नीचे आने को डाउन बोलते हैं ठीक है ई है देयर इज़ अ माउस डैश माई किचन इन यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ से देख के कि किचन में हम जो देख रहे हैं वो किसको देख रहे हैं हमारे किचन में कौन है माउस है इन माई किचन मेरे किचन में माउस है ओके वर्क दिस इज़ आर थर्ड वर्क अंडर द राइट वर्ड राइट ऑन द सेंटेंसेस ये हमारी ग्रामर यूजेज की
पेज नंबर 82 पे है, एक्सरसाइज 22। दिस इज आर थर्ड वर्क, अंडरलाइन द राइट प्रेपोजिशन, ग्रामर यूजेज में है, 22 एक्सरसाइज है एंड पेज नंबर 82 है। इसको रीराइट भी करना है। ही लिव्स ऑन और इन लिखा हुआ है और हांगकांग, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक चूज करके अंडरलाइन करना है। ही लिव्स इन, या इन करना है तो हमें टिक कर देना है इन हांगकांग। नंबर टू है, प्लीज़ गिव दिस बुक, ब्रैकेट में लिखा है टू लगाना है या एट लगाना है, यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, शेरोन शेरोन, ठीक है। प्लीज़ गिव दिस बुक टू, टू या एट, टू शेरोन, शेरोन को मतलब ये बुक देनी है। क्रिसमस फॉल्स डैश 25 दिसंबर, इन और ऑन, इनमें से भी एक चूज करना है। ऑन यहाँ पर डेट के लिए और क्लॉक के लिए, यहाँ पर हमें ये क्रिसमस फॉल्स डैश 25 दिसंबर, ऑन 25 दिसंबर, क्रिसमस फॉल्स ऑन 25 दिसंबर। नंबर फोर है, आई वॉन्ट टू वॉश माई हैंड्स, टर्न डैश द टेप, क्या आएगा इसमें, ऑन द टेप, ठीक है। आई वॉन्ट टू वॉश माई हैंड, टर्न ऑन द टेप। नंबर फाइव है, फादर रिटर्न्स होम डैश 7 o'clock, ऑन या एट आएगा, एट इसमें आएगा टाइम के लिए, फादर रिटर्न होम एट 7 o'clock, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड प्रीपोजिशन, और प्लीज़ डू वर्क, डू ऑल वर्क नीट एंड क्लीन एंड सबमिट इन स्कूल, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।